और रियली में ये बहुत ही अच्छे सीधे साधे हैं। बहुत के लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं, ये प्यार नहीं कर सकते, तो ऐसा गलत है, ये हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये इतना ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं कि इन्होंने मेरे लिए एग्जाम छोड़ दिया अपना, तो इसलिए इसलिए इस आप बारे लोग में बस समझ लीजिए, तो कुछ टाइम के लिए मजबूरी है जिस वजह से हम लोग पार्ट टाइम सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं, और आप लोगों को अपना फैमिली मानते हैं इस वजह से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विजय फैमिली ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे सभी होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज हम बताने वाले हैं अपनी लव स्टोरी। तो चलिए मैं अपने बारे में बताना शुरू करता हूँ कि हम लोग पहली बार कब एक दूसरे को देखे थे सिर्फ। तो ये कहानी उस दिन से स्टार्ट हो जाता है जब हमारे भाई का शादी था। हम शादी में गए हुए थे बराती, और ये भी भाभी का कजन सिस्टर है जिस वजह से ये भी वहाँ गई हुई थी। उस समय तो ये बहुत छोटी थी, करीब 10 साल की होगी, और मैं बोर्ड का एग्जाम दे दिया था तो 15-16 साल का रहा होऊंगा। मेरी उस समय कजन सिस्टर की शादी थी, तो मैं धनबाद से आई हुई थी। मैं उसमें बहुत छोटी थी, करीब मैं 5 क्लास में पढ़ती थी। तो उस समय शादी के समय में तो ऐसे भी सबको एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जो मेरी जेठानी अभी बनी है, वो मुझे बहुत प्यार करती थी बचपन से ही। तो उनकी जब शादी हुई थी, तो वो मुझे अपने ससुराल लेके आई थी, मीन्स इनके घर मुझे लेके आई थी। तो मैं उसमें बहुत छोटी थी, तो मजाक करने का रिलेशन में सबको लगता था कि करने के रिलेशन में हम लगते थे। तो यहाँ जब मैं आई थी, तो उस समय सब कोई हमसे बहुत मजाक करता था, बहुत मजाक करता था। तो ये तो बहुत सीधे साधे थे, ये कभी कुछ हमसे नहीं बोलते थे। मैं बहुत छोटी भी थी, तो मैं बस एक दिन उस दिन रही थी, क्योंकि दीदी की शादी हुई थी, तो वो दिन भर रही थी। फिर सुबह होके हम अपना नानी घर, मीन्स जो मेरी दीदी है वो मामा जी की बेटी है, तो मैं अपने नानी घर चली गई थी, दीदी भी चली गई थी। तो उस समय मैं बहुत छोटी थी, ये सब के बारे में मैं नहीं जानती थी कुछ भी। तो उस समय बस इनको पहली बार मैंने उसी समय देखा कि इन दीदी का ये देवर है और कुछ भी नहीं। तो फिर जुड़े थे हमारे फैमिली जो भी थे, वो एक दूसरे से जुड़े थे, क्योंकि दीदी की शादी इस घर में हुई थी। तो उस समय मेरे फैमिली भी और मेरे मामा जी की फैमिली सब कुछ जुड़े हुए थे। तो उस समय से जानने लगे थे हम लोग, मेरे फैमिली इनके फैमिली से। तो वो तो खत्म हो चुका था, फिर मैं धनबाद चली गई थी। तो उसके बाद करीब 2006 में शादी हुआ था, उसके बाद 2 साल बाद 2008 में फिर से भैया भाभी का एक बार में रुखसती जिसे कहते हैं या गौना, वो नहीं हुआ था, वो 2008 में हुआ था। तो 2008 में फिर से ये भाभी के साथ आई, तो उस समय मैं उस थोड़ी सी समय भी बड़ी मैं हो गई छोटी थी। थी, उस समय भी मैं हमसे सबको बहुत मजाक करता था। तो मैं बोलती थी, हाँ मैं बहुत छोटी हूँ, मैं बहुत छोटी, ये तुमसे कितने बड़े हैं, मैं बहुत छोटी हूँ। तो सबको मुझे मजाक करता था कि नहीं आप यहीं रह जाइए, आप यहीं रह जाइए। सबको बहुत ज़्यादा यहाँ प्यार करता था कि मैं बहुत भी जो भी सेकेंड मैरिज उनका हुआ, तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे। फिर उसके बाद हमारी जो अभी जो सिस्टर इन लॉ है नीलम, उनको तो आप लोग देख ही चुके उनका हैं। शादी 2012 में हाँ, था, उनकी तो शादी 2012 में था। तो उस समय ये इनविटेशन देने के लिए मेरे घर गए थे। तो उस समय मैं इनको, मतलब क्या होता है, देखी फर्स्ट बार, मतलब अच्छे से, पहले तो मैं उनको नोटिस कभी नहीं करती थी। तो उस समय मैं करीबन 10th के एग्जाम मैं दे चुकी थी, तो उस समय मैं इनसे मिली। तो इस समय कुछ थोड़ा बहुत बात हुआ पढ़ाई वढ़ाई के बारे में, कि आपका एग्जाम कैसा गया। मैं झारखंड बोर्ड से अपना बोर्ड का एग्जाम दी थी, तो ये एग्जाम के बारे में पूछ रहे थे। तो मेरा उस समय एग्जाम बहुत अच्छा गया था, तो मैंने सारा जो भी एग्जाम मेरा गया था सब मैंने इनको बताया। बस उतना ही बात हुआ, फिर ये कार्ड दे के चले आए। ये फिर आई थी। सिस्टर इन लॉ की शादी में जब यहाँ आई थी, जो मेरी अब सिस्टर इन लॉ बनी है, पहले मेरे लिए फ्रेंड थी वो, पहले मेरे लिए प्रिया, शबनम, जो भी यहाँ के रिलेटिव्स थे सारे मेरे फ्रेंड थे। एक तो एक एज का था हाँ, तो हर एक कोई एज की जुड़ सबको गया। थी। तो ज़्यादा तो प्रिया और शबनम से, और एक संजू है जो कि सब अब मेरी बेटी लगती है, पहले मेरी फ्रेंड हुआ करती थी। तो वो लोग से ज़्यादा फ्रेंडशिप था मेरा। तो उसके बाद मैं यहाँ आई शादी में, तो उस समय नीलम को मेहंदी लग रहा था। तो फर्स्ट फर्स्ट बार मैं छत पे गई, तो वो बोले कि मेहंदी लग रहा है, तो उनका मेहंदी अच्छा से नहीं लग रहा था। तो मैं मेहंदी के डिज़ाइन जानती थी, तो वो बोली जाइए फ्रिज से मेहंदी लेके आइए। तो मैं फ्रिज से मेहंदी निकाल रही थी, तब ये मुझे नोटिस उस किए, इनको देखा तब बच्ची नहीं लग के एक लड़की लगी हमको देख के, और उसके लड़की बाद मेरे मन में इनके लिए कुछ अलग सा महसूस हुआ। उससे पहले मैं इसके लिए कभी भी कुछ भी महसूस नहीं करता था, क्योंकि ये बहुत छोटी थी, हम लोग के एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। लेकिन उस दिन जब ये फ्रिज से निकाल रही थी कुछ, उस दिन मैं इसको देखा और बोला भी कि आ गए आप, तो ये बोली हाँ, इतना सी हिला के सिर्फ जवाब दी। तो मैं इनको एक ही पल में देखता ही रह गया, क्योंकि उस दिन मुझे ये एक मैच्योर लड़की लगी। फिर भी शादी में इतना व्यस्त हो गया, फिर वो माइंड हम नहीं किए। शादी के घर में तो जानते हैं बहुत काम रहता है,
लेकिन मैं महसूस किया कि ये पूरा शादी में बहुत ज्यादा हम पे नोटिस कर रही ये है। रोत रहे थे इसीलिए मैं बहुत नोटिस सर का लिए विदाई थे। था तो मैं था, और हम लोग को जानने से पहले शादी में जितना रिलेटिव आए हुए थे वो सबको पता नहीं कैसे सब कुछ पता चल गया था कि इनके और मेरे बीच में कुछ है। वैसा कुछ वो भी नहीं सब था। अनुमान लगाने लगे थे कि आप दोनों के शादी, हमसे ज़्यादा इनको चिढ़ाने लगे थे बहुत ज़्यादा। जैसे शबनम हो गई जो कि अभी भतीजी है, हाँ उस वो बोल समय रहे थे इनकी कि दोस्त आप मेरी थी, चाची बन चाची बन जाइए, जाइए। तो हम बोले थे नहीं ऐसा थोड़ी ना, वो तो बहुत हमसे बड़े हैं, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब मजाक, हमको लगा था सब मजाक कर रहे हैं, सब बस मजाक में ले रहे हैं। तो फिर शादी खत्म हुई, उसके बाद फिर मैं घर चली गई अब जिस समय जाने मैं, वाल हाँ जिस जाने वाली थी, जाने से पहले उस दिन हमको फिर कुछ अलग सा लगा। जब जाने के लिए ये तैयार होने लगी, उसके बाद दरवाजे से बाहर गाड़ी पे बैठी तो सब कोई था बाहर में खड़ा, तो मैं भी वहाँ खड़ा था। तो एकाएक मेरा नज़र इनके नज़र से मिला तो मैं देखा कि इनके आँख में आंसू है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये अलग होके कुछ महसूस कर रही है, जिस वजह से मेरा बेचैनी बढ़ने लगा और मैं भी कुछ अलग महसूस करने लगा। हाँ उस समय जब मैं जा रही थी यहाँ से तो लग रहा था ऐसा कि जैसे कुछ छूट रहा है, तो बहुत बुरा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा। और हमको यहाँ बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला, सबको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इनसे उतना बात नहीं होता था, बट यहाँ के जो भी रिलेटिव्स थे, जो भी आए थे शादी में, वो सब बहुत प्यार करते थे। तो और इनको देख के जब भी मैं इनको नोटिस करती थी तो ये बहुत ज़्यादा सीधे साधे, कभी भी किसी लड़की को नोटिस नहीं करते थे। इनके बारे में मैंने जो जो सुना वो सब सब कुछ सच था, तो मैं कुछ इनके बारे में अलग ही फील करने लगी कि ये बहुत ही अच्छे हैं, और रियली में ये बहुत ही अच्छे सीधे सादे हैं। बहुत के लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं, ये प्यार नहीं कर सकते, तो ऐसा गलत है, ये हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये इतना ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं कि इन्होंने मेरे लिए एग्जाम छोड़ दिया अपना। तो इसलिए इसलिए इस आप लोग, बारे में गलत कमेंट्स हाँ आप नहीं लोग कीजिए, गलत क्योंकि कमेंट मत बहुत कीजिए। खराब लगता है किसी भी इंसान को जब उसके अस्तित्व के अपोजिट कुछ बोला जाता है, तो किसी को भी बहुत ज़्यादा खराब लगता है। हम लोग सोशल मीडिया से ज़रूर जुड़े हैं, लेकिन अपना शेयर कर रहे हैं हम लोग अपने से जुड़ी हुई बातें, इसलिए गलत कमेंट्स जितना हो सके कम कीजिए। और आप हाँ और ये बात रही राहुल मामपी के बारे में, तो उनसे कंपेयर आप लोग प्लीज़ नहीं कीजिए, आप लोग उनसे कंपेयर, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे हैं और वो तो एक्टिंग क्वीन है मामपी, उनको उनको तो आप लोग सबको जानते ही है, हम लोग भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो लोग भी हम लोग को बहुत सपोर्ट किए हैं बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ आप लोग, हाँ सबसे कंपेयर मत कीजिए, सबको अलग अलग रहता है, सबका अपना पर्सनल लाइफ रहता है, सबका एक अलग लव स्टोरी रहता है, तो किसी से प्यार किया ही होगा, तो ऐसा किसी को नहीं कहना चाहिए जो भी गलत कमेंट करते हैं। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो बहुत अच्छे 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 कमेंट अच्छे करते कमेंट्स हैं, करते और हैं। एक तो क्या है उसका नाम, एक तो वो उनको बोले कि हम लोग को 100 कमेंट हो जाएगा तो हम लोग अपना लव स्टोरी बताएंगे, वो 10 बार सिर्फ अपने से खुद खुद से यस कमेंट यस किए ये कि हम करेंगे तो वो जल्दी रिप्लाई करेगी। तो वो बहुत उनके लिए थैंक यू, क्योंकि हमको सपोर्ट कीजिए, और अगर कहीं मिस्टेक रहता है हम लोग का वीडियो में तो आप लोग वो कमेंट करके बताइए कि आपका वीडियो, जैसे कोई था तो वो बता रहे थे कि आपका वीडियो हिलता है, चाहे अच्छा है, बट किसी को गंदा कमेंट करना ये अच्छा बात नहीं है। प्लीज़ आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, जैसे मेरे और भी सब्सक्राइबर करते हैं। तो उस दिन ये गाड़ी में बैठी हुई थी, हमारा एक दूसरे से आंख मिला और ये रोने लगी। तो उस दिन मुझे भी एहसास हुआ कि कुछ अलग है हमारे रिश्ते में। तो उस दिन तो खैर ये चली गई, फिर रहा था इस तरह। मैं लगभग अपने आप से फिर प्रॉमिस किया कि अगर ये फीलिंग मेरे अंदर 1 महीना तक रहेगा तब मैं इनको कॉल करूंगा, ऐसे नहीं कुछ भी होगा तो खुद ब खुद मेरे मन से सब बात हट जाएगा। और मैं उतना के बारे में जब भी, और मेरा भाई का भी नाम इस इन्हीं के नाम से है, तो जब भी उसका नाम मैं लेती थी तो इनको याद करती थी, जब भी मैं उसका नाम लेती थी तो इनको याद करती थी, तो इस वजह से ये हमेशा मतलब हम मेरे माइंड में आते रहते थे। फिर भी मैंने अपना पढ़ाई पे पूरा फोकस किया, ये भी अपना पढ़ाई पे पूरा फोकस किए, हम लोग का पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है, मेरा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, ये अभी मतलब जॉब के लिए जॉब अप्लाई के कर लिए रहे अप्लाई हैं, करते थे उस हाँ अभी समय, भी अभी कर कर रहे हैं, रहे हैं, अगर किस्मत में होगा तो तो हो हो ही ही जाएगा। जाएगा। तो उसके बाद फिर इनका बहुत दिनों के बाद कॉल एक आया, महीना बीत गया हाँ पूरा, फिर भी मेरे मन से इनके लिए कुछ भी फीलिंग कम नहीं हुआ, उतना ही महसूस मैं कर रहा था। तब मेरे मोबाइल में तो इसका नंबर नहीं था, पर भाभी का जैसे कि बताए हैं कजन सिस्टर है, तो उनके मोबाइल में इनके नाम से मोबाइल नंबर, तो मैं उनके मोबाइल से नंबर लिया। उसके बाद जब कॉल किए तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई, मतलब कि हेलो मैं विजय बोल रहा हूँ। इतना इतना बोलते ही इतना ये चहकने लगी,
जी इतना ये बोली, उसके बाद हम लोग में इधर उधर का बात ही उस समय भी हुआ, डायरेक्ट कुछ भी उस मेरे बारे में, रिजल्ट के बारे में हाँ ये पूछ रहे पढ़ाई थे लिखाई के कि बारे में, घर में और सब कैसे हैं मेरे ये। पापा से ये बात हाँ की, मेरे फिर मम्मी से पापा बात से, की फुल है। फैमिली से ही हम लोग, क्योंकि रिश्तेदार हैं तो ऐसे पहले भी रिश्ते से जुड़ गए थे, इस वजह से सबसे बात किए तो पहले इनसे ही किए थे, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो हाँ गई उस दिन तो मत पूछो, मेरा रिजल्ट भी इतना थी। अच्छा आया, फिर ये भी कॉल किए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड नेहा है और अंकिता, तो वो लोग को मैंने सारा बात अपना बताया तो वो लोग बोल रही थी बाप रे कितना खुश है तुम, कितना खुश है। सही में मैं उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कभी होगा मेरे साथ। तो मैं हमेशा, मेरे और इनके फैमिली में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो इस वजह से मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी मेरे साथ हो सकता है कि मेरी शादी इनसे हो सकती है, फिर भी उस दिन हम लोग में कोई भी कुछ ऐसा प्रपोज नहीं हुआ। नहीं हुआ था, हाँ बस उस दिन के बाद कभी कभी फिर 1 महीना में, कभी 10 दिन में फोन पे बात होते रहता था, और ये कॉल लगभग 1 साल तक उसी तरह चला, पूरा 12 से नॉर्मली कुछ लेकर भी नहीं, 13 तक, सिर्फ कि पढ़ाई सिर्फ 10 दिन में पढ़ाई। कभी, 20 दिन में कभी, 1 महीना में मैं कॉल कर लेता था और हम लोग में बात हो जाता था, इधर उधर का फैमिली पसंद नापसंद के बारे में बात करते थे, और ऐसा नहीं था कुछ बारे में। हमारे बीच शुरुआत हुआ 2013 जब दिसंबर आ गया, उसके 15 दिसंबर में हम लोग का शादी हुआ तो था, बहुत उस एक परेशानी साल होता बहुत ज़्यादा खराब समय बीता है हम लोग के है। लाइफ का, वो भी शेयर जरूर करूंगा, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिस वजह से हाँ आज यहीं तक बताते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और और चैनल चैनल को को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर कर दीजिए, और दीजिएगा। गलत कमेंट प्लीज मत कीजिए। नहीं आप लोग प्लीज, आप लोग सपोर्ट कीजिए, अगर हम लोग का वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आगे ले जाएंगे। और भी हम लोग का लव स्टोरी तो बहुत लंबा है क्योंकि हम लोग 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो हम लोग सारा बात आप लोग लव को, स्टोरी ही क्यों, हम लोग अपने जीवन से जुड़ा हुआ हर बात हाँ बताना शेयर चाहते हैं, करना क्योंकि चाहते बहुत हैं।